लेकिन स्टॉक अगर आप देखें तो 4% का इजाफा लेकर 3425 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है पोस्ट अर्निंग्स. एफएनओ मार्केट का पूरा एक्शन समझेंगे वीरेंद्र के साथ कुछ ही देर में. लेकिन मार्केट्स में अगर देखें तो प्रसाइज स्टॉक्स जो कि आज परफॉर्म कर रहे हैं उनमें डेफिनेटली आज हिंडालको यानी कह सकते हैं कि चुनिंदा स्टॉक्स हैं. मेटल स्पेस से हिंडालको जैसे स्टॉक्स लीड कर रहे हैं. आईटी से टेक महिंद्रा यानी जहां भी अच्छे अर्निंग्स आए हैं या फिर अच्छी खबरें आई हैं उन स्टॉक्स को ट्रेडर्स बायर्स चेस कर रहे हैं. हिंडालको आपकी स्क्रीन पर पोस्ट स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स अब 10.5% का उछाल लेकर ट्रेड कर रहा है. कोल इंडिया को भी देख लीजिए यहाँ भी 4% का उछाल है. एक बार टाटा मोटर्स को देख लेते हैं. टाटा मोटर्स में भी क्या एक्शन है क्योंकि आज नतीजे आने हैं और नतीजों से ठीक पहले ही ये स्टॉक लगातार बढ़त के साथ ही ट्रेड हो रहा है. अब देखिए एकाएक स्पाइक स्टॉक में आया है. अभी शो की शुरुआत में महज 1% ऊपर था, 3% ऊपर आ चुका है. अगर आप इंटरडे चार्ट्स पर देखेंगे 416 के लेवल्स पर ही काम काज कर रहा है. नजर रखकर चले टाटा मोटर्स पर एकाएक यहां पर बढ़त आई है. लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो कि एफएनओ मार्केट में एक्शन दिखा रहे हैं और निफ्टी को लेकर ट्रेडर्स की आज के सेशन में स्ट्रेटेजी क्या है ये समझ लेते हैं वीरेंद्र से. वीरेंद्र शुरुआत अच्छी हुई, 8200 के स्तर को निफ्टी ने छुआ और उसके बाद थोड़ा सा थकता हुआ नजर आ रहा है. तो एग्जैक्टली ट्रेडर्स के अप्रोच में कुछ बदलाव हुआ है या फिर अभी भी लॉन्ग ही खेल रहे हैं निफ्टी पर, क्या सेंस मिल रहा है एग्जैक्टली? देखिए ट्रेडिंग के अप्रोच में कोई बदलाव कोई मेजर हुआ है शायद ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही है. हाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स लिए हैं कुछ ट्रेडर्स ने कैश में कन्वर्ट किए हैं, लेकिन अभी तय करना दीपाली काफ़ी मुश्किल है कि इस रेंज में आप अपने प्रॉफिट्स को लेकर बाहर निकल आएँ या नहीं. आई थिंक मैं सुबह जो डिस्कस कर रहा था दीपाली कि अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस पर कायम रखिए और FIs के स्टेटिस्टिक्स पर आप बिलीव करते हैं तो थोड़े से डीप स्टॉप लॉसेस के साथ अभी लॉन्ग रही, कोई दिक्कत की बात नहीं है. 9 लाख शेयर निफ्टी फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट जुड़े थे, सुबह बाइंग हुई थी अच्छी खासी, हायर लेवल्स पे गए भी लेकिन वहाँ से कैपिटलाइज नहीं कर पाए. आई थिंक एक तो बात ये भी दिखाई कि इवेंट्स की कमी है अभी हमारे पास बहुत दूर तक. रिजल्ट सीजन था, SBI का डर था, SBI के बाद एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन अब सडनली इवेंट्स की कमी है आपके पास. तो अपने लॉन्ग्स होल्ड कर रखिए. मैं क्यों कह रहा हूँ लॉन्ग्स होल्ड रखिए बताता हूँ मैं आपको. देखिए 8200 की कॉल हो, 8300 की कॉल हो, स्पेशली 8300 की कॉल में आज भी 5.25 लाख से जुड़े हैं और मुझे कोई ऐसा डिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा है कि जिससे मैं ये कह सकूं कि बहुत सीवियर कॉल राइटिंग अभी आ रही है 84, 83, 82 के स्ट्राइक पे. नो नॉट एग्जैक्टली. 8200 की कॉल में 1 लाख, 8300 की कॉल में 5.25 लाख, 8400 की कॉल में 3.5 लाख. तो अभी तक मैं इस बात को लेकर कन्विंस नहीं हूँ कि बाजार ने यू टर्न ले लिया है. नो क्यों? अब देखिए आप 8200 की पुट में 3 लाख से जुड़े, 8100 की पुट में लगभग 3 लाख और 8000 की पुट में 7 लाख और 8000 की पुट का आउटस्टैंडिंग हुआ या पहुंच गया 45 लाख. यानी अगर मैं इस लेवल पे कंफर्टेबल नहीं हुई हूं तो मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा अपने स्टॉप लॉसेस के साथ क्योंकि मेरे को 8100 और 8000 की पुट ये कंफर्ट दे रही है कि एटलीस्ट मेरा जो 8080 का या फिर 8100 का स्टॉप लॉस है दैट इज़ अ डिसेंट स्टॉप लॉस, तो मैं उस स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड करूँगा अपनी पोर्शन को. हाँ अगर आप फ्यूचर्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो शायद 8080-8050 के स्टॉप लॉस के साथ 8200 की कॉल को भी प्लस कर सकते हैं, ये आप एक अप्रोच कर सकते हैं. स्टॉक फ्यूचर्स की बात करते हैं दीपाली, अगर आप देखें आज हिंडालको इट वॉज अ कंप्लीट सरप्राइज पैकेज, काफ़ी अच्छा खासी बाइंग है यहाँ पर, 36 लाख शेयर पर इंटरेस्ट जुड़े हैं तो इस स्टॉक को देखिएगा डेफिनेटली. आई थिंक यहाँ से और मूव इसमें कैपिटलाइज कर सकता है. कोल इंडिया ये करीब करीब 20 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट जुड़े, इस पर नजर रख के चलिएगा. आई थिंक एक अच्छी ओपनिंग हार लेवल्स पर सस्टेन करता हुआ, डेरिवेटिव्स में काफ़ी बाइंग है. एक मैं टाटा मोटर्स पर इनफैक्ट कन्विक्शन के साथ कैपिटलाइज करना चाहूँगा. आज बुरी अच्छी खबरों के बीच में भी स्टॉक डिलीवर करता हुआ आप देखिए करीब 9 लाख शेयर यहाँ पर दिवाली ओपन इंटरेस्ट जुड़े हैं. तो टाटा मोटर्स पर नजर रखिएगा कि जितने स्टॉक्स मैं दिवाली नाम ले रहा हूँ इसमें अगर आप फ्यूचर्स पर कंफर्टेबल नहीं है, सीरीज की बहुत शुरुआती पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आप इसमें एट द मनी स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल्स में भी काम काज कर सकते हैं. लेकिन आज एक स्टॉक आई थिंक जिस पर शायद मैं कैपिटलाइज करना चाहूँगा पूरे कन्विक्शन के साथ, और कन्विक्शन इसलिए आया क्योंकि मेरा रिवॉर्ड भले ही कितना अच्छा ना हो लेकिन मेरा रिस्क ना के बराबर है. और स्टॉक डेरिवेटिव्स में एक बार फिर से एक्टिव है, दैट इज़ आई थिंक REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन. 150-155 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है. आई वुड लाइक टू कैपिटलाइज यहाँ पे करीब करीब 4 लाख शेयर ओपन जुड़े हैं तो आप एक REC पर नजर रख के चलिएगा दीपाली. एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पूरे ही डेरिवेटिव मार्केट के एक्शन को सम अप करने के लिए. चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और क्वेरीज को शो में शामिल कर लेते हैं. हमारे पास अगला जो क्वेरी आई है वो SMS के जरिए आई है. हमारे पास क्वेरी आई है वेस्ट बंगाल से शिव कुमार की. HUL पर ये जानना चाहते हैं, 10 शेयर्स है इनके पास, 767 के भाव पर उन्होंने HUL में खरीदारी की हुई है. 853 पर करंटली चल रहा है तो प्रॉफिट्स में तो है ये. मिस्टर तापरिया क्या सलाह देंगे आप HUL पर? जी हाँ, देखिए डिस्काउंटर ने अभी रिसेंटली 810 के आसपास के बॉटम बना के और कंडीशनली 6-7 दिनों से बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है. मेरा मानना है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा. 875 के आसपास यहाँ पे इमीडिएट ट्रेंड है, वो पोज लेना चाहिए तो 875 तक के लिए वेट कर सकते हैं, वहाँ पर मुनाफा वसूल करें. जी अगली क्वेरी ले लेते हैं और हमारे पास जो अगला सवाल है वो HUL पर है.
इनफैक्ट कोटक महिंद्रा बैंक पर ले लेते हैं। शोना का है दिल्ली से 100 शेयर्स, इनके पास परचेसिंग प्राइस है 726.70 का। क्या करना चाहिए चंदन? कोटक महिंद्रा बैंक में 726 रुपए की इनके खरीद है, 746 पर ट्रेड करें, इनके परचेसिंग प्राइस के तो ऊपर है, थोड़ा मुनाफा हो रहा है। जी हाँ, देखिए इनफैक्ट मैं प्राइवेट बैंक्स की बात करूं तो यस बैंक और इंडसइंड बैंक ने काफी अच्छी चाल कुछ दिनों में दी थी, और अब मेरा मानना है कि कोटक बैंक में वैसा ही मोमेंटम देखने को मिलेगा। एटलीस्ट 8 से 10% के मूवमेंट नेक्स्ट 2 से 3 महीने में इस काउंटर में इजिली देखे जा सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव पैटर्न बनाया है, लगभग 7-8 महीनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। 750 के आसपास जिस हिसाब से होल्ड कर रहे हैं, 820 से लेकर 840 तक के टारगेट 6 मंथ डाउन द लाइन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो सलाह ये रहेगी कि इस काउंटर को होल्ड किए। प्राइवेट बैंक में कोटक बैंक है, इंडसइंड और यस बैंक के बाद में और फॉर्म करता हुआ नजर आए।